Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question number 5. Why is DNA copying an essential part of the process of reproduction? Reproduction की जो process है, उसके लिए DNA का copy होना क्यों जरूरी है? So DNA copying is an essential part of reproduction as it passes genetic information from parents to child. जो DNA copying है, उसकी वजह से क्या होता है? पेरेंट्स से चाइल्ड में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सारी कॉपी हो जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है. इट डिटरमिन्स द बॉडी डिजाइन ऑफ इंडिविजुअल. द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ देयर डीएनए थ्रू सम केमिकल रिएक्शन रिजल्टिंग इन टू कॉपीज ऑफ डीएनए. इससे क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बॉडी डिजाइन है, वो सब कुछ पहले से डिटरमिन हो जाता है अगर डीएनए कॉपिंग होती है. जो डीएनए कॉपिंग है उसमें क्या होता है, जो डीएनए है वो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू एक कॉपी फॉर्म कर देता है, उसकी कॉपी फॉर्म हो जाती है, ठीक है. सो द कॉपिंग ऑफ डीएनए ऑलवेज टेक्स प्लेस अलॉन्ग विद द क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर. दिस प्रोसेस इज देन फॉलोड बाय डिविजन ऑफ अ सेल. ये जो डीएनए कॉपिंग है, इससे क्या होता है, एक कॉपी क्रिएट होती है पहले जेनेटिक मटेरियल की बाय केमिकल प्रोसेसेस. ये जो कॉपी क्रिएट हो रही है उससे एक एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाता है फॉर द न्यू इंडिविजुअल, ठीक है. फिर उसके बाद जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है और उसके अंदर कॉपी डीएनए चला जाता है. तो डीएनए कॉपिंग बहुत जरूरी है अगर हमें एक ही टाइप के इंडिविजुअल जो है उनको रिप्रोड्यूस करना है, और जो पेरेंट है उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अगर हमें ऑफस्प्रिंग में भी लाने हैं तो उसके लिए डीएनए का कॉपी होना इम्पोर्टेंट है.